लेट हो जाएंगे तो आज के 2000 निकल जाएंगे। हाँ नहीं, पहले वो बहुत जरूरी है। हाँ। तो पहले उसी के बारे में बात, वेल्थ पर कोप। यही दिन पे देखिए, यही फर्क है। ऑन द फेस ऑफ इट न्यूज खराब लग रही है ना। हाँ, हाँ? हाँ। अब मैं बताता हूँ ये न्यूज वेल्थ पर कोप के लिए क्यों अच्छी है। हाँ। कि आज सुबह से डाउट हो रहा था कि इसे टूट जाएगा। अमेरिका ने जो स्टील पाइप वहां पर इंपोर्ट होते हैं उस पर 50% ड्यूटी बढ़ाई है। 50% ड्यूटी बढ़ाना मतलब बहुत बड़ी बात है, यानी कि कोई एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा अमेरिका को स्टील पाइप। तो रत्नमणि मेटल, जिंदाल सो, अपोलो, एपीएल अपोलो पाइप, ये सबके लिए खराब है। सिर्फ एक स्टॉक के लिए अच्छा है, वो है वेल्स पर। और क्यों है, जबकि ये भी यही कारोबार में, उसकी एक बड़ी वजह है कि इस कंपनी की 2 सब्सिडियरी कंपनियां हैं अमेरिका में, और उसकी वजह से जब ये कंपनियां अमेरिका में, तो इनका कारोबार ऑलरेडी और बढ़ेगा और इन्हें ड्यूटी प्रोटेक्शन मिलेगा। राइट, 500 करोड़ का ऑलरेडी रेवेन्यू आ रहा है वहां से। उस कंपनी का नाम है वेल्समन ट्यूबुलर करके है, और ये वो एक वो बड़ा मुश्किल सा नाम अर्कसांस कुछ ऐसा वहाँ का प्रांत है, जहाँ पर जिस पोर्ट के पास में इनकी रॉक पोर्ट बोलते हैं, वहाँ पर इनकी फैसिलिटी है, और वो 740 एकड़ में फैली हुई है वहाँ पर, इतनी बड़े भारी भरकम लैंड में। तो ये स्टॉक जो है साफ तौर पर इस लिहाज से बहुत पॉजिटिव, इसके लिए भले ही ये स्टील ट्यूब बनाती है, तो ये है स्टॉक। 2000 कमाने की स्कीम है या 10,000? नहीं, सिर्फ 2000 नहीं, ये 10,000 वाला है। उसके ऊपर की क्रेडिट हमारी नहीं है, अगर उसके ऊपर आप बनाते हैं आपकी किस्मत। ये भागता जा रहा है, आप बोलते जा रहे हैं, ये देखिए ये उसके ऊपर जो अगर आप पैसा बना रहे हैं तो आपका नसीब है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब 10% ये शेयर ऊपर आ चुका है, नो डाउट। तो ये है वो बड़ी खबर जिसकी वजह से वेल्समन कॉप स्टॉक आज एक्शन में। यही दिक्कत है कि डिम्पी आमतौर पर जब हम खबर के अंदर नहीं घुसते तो ये हो जाता है कि हाँ यार नीट और रीजनेबल भी है, इसीलिए देखिए मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ था पूरा। 500 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू जो बढ़ेगा, तो वेल्थ फंड कॉप के लिए गेम चेंजर हो सकता है, बहुत बड़ी चीज हो सकती है। टारगेट स्टॉप तो सब अब सबके बंद तो गए होंगे ना 2000। बिल्कुल, 2000 से कहीं ज्यादा। मुझे लगता है कि जो ये राकेश बंसल जी के फ्रेंड्स हैं जो कि कॉफी पीते हैं, अब तो वो कॉफी से भी कुछ ज्यादा पी सकते हैं। तो जिस तरह का भाव इसका चल रहा है, कॉफी से ज्यादा पीने के लिए मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी रही है। अब जिन्होंने खरीदा उनके लिए थोड़ा स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए आप। देखिए टारगेट मुझे लगता है ना जी 170 पहला टारगेट होना चाहिए, और इतना ऊपर का थोड़ी चाहिए, 2000 के लिए क्यों इतना? 2000 वालों का तो लक्ष्य हो गया पूरा मुकम्मल हो गया, जिनके पास है मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर ले इंट्राडे का। लेकिन जो पोजिशनल बेसिस पे इसको रखना चाहते हैं 175-180 के लेवल्स आएंगे, तो वेल्समन कॉर्प, वेल्समन एंटरप्राइजेस दोनों काउंटर्स पर हम लगातार खरीद किराए दे रहे, बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर, और आज दिन के ऊपरी स्तरों पर इसमें वेल्समन कॉर्प का शेयर कामकाज करते हुए 9-10% तक की अच्छी बढ़त, और आज के 2000 नहीं बल्कि कई हजार आपके आज जरूर बने होंगे।